Poya BY-M1 mic, one of the best mic in the market right now. ये बहुत ही बेस्ट माइक है भाई गाइस फॉर द बिगनर्स. अभी क्या है ना कि जितने भी नए यूट्यूबर्स आते हैं या जो थोड़े से सस्ते दाम में जिनका भी इतना बजट नहीं हो पाता है तो वो लोग प्रीफर करते हैं बोया का BY-M1 माइक, जो कि काफ़ी चीप रेट पे मिल जाता है हमें, थोड़े सस्ते दाम मार्केट पे मिल जाता है. अप्रॉक्स 750 या 850 के बीच में ये वैरी करता है. तो अभी मेरे पास भी यही माइक है, मैं इसी से रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसी से भी सब करता हूँ. तो मैं तो मैक्सिमम वीडियो जो बनाता हूँ वो बनाता हूँ लैपटॉप पे, बट मुझे ये प्रॉब्लम आता है कि मुझे बार बार बैटरी चेंज करना पड़ता है इसका. तो मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए था, तो मैंने कुछ ऐसा क्लिक किया ना, तो उससे मुझे पता चल गया कि ये कैसे अपना विदाउट बैटरी भी रन कर सकता है लैपटॉप पे. तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो के एंड में मैं रिवील करूँगा कि ये मैंने कैसे किया. तो गाइस चलिए पूरा वीडियो देखते हैं. तो जैसा कि आप देख रहे हो ये अपना बोया का BY-M1 माइक, ये मेरा सिलेंडर है जिस पर अपना बैटरी लगता है और एक स्विच होता है. तो ये स्विच ऑन करने से अपना कैमरा मोड हो जाता है, जो कि आप कैमरा या लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो, और नीचे रखने से ये ऑफ रहता है. और ये अपना जैक 3.5 mm का, देखिए मेरा लैपटॉप है ASUS का वीवो बुक है, जो आप देख सकते हो जैसे ये ASUS का है, ठीक है, वीवो बुक S40, ये ASUS का है. यहाँ पे मेरा लोगो बना हुआ है, इस लोगो का ये नाम लिखा हुआ है, नाम प्रिंट आउट है इस पर. और ये मेरा इंटेल का i-Core 5 8th generation लैपटॉप है ये. मैं यहाँ कोई बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, बस दिखाना चाह रहा हूँ मेरा कौन सा मॉडल है जिस पे मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसमें के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ. और ये अपना 3.5 mm जैक है, जो जिसपे 3 रिंग बनाया है, बट ये 4 रिंग का होता है, मीन्स 4 इसके पॉइंट्स होते हैं. एक होता है आईटी, एक होता है रिंग, फिर एक रिंग होता है, फिर एक स्लीव होता है. तो इसे हम लोग बेसिकली TRRS कहते हैं, ठीक है, 4 पॉइंट रहता है इसका. और यही है, बहुत ही पतला है BY-M1 माइक का. तो चलिए इसे इंसर्ट करते हैं, अभी उसके बाद दिखाता हूँ. तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है इंसर्ट करने के बाद, तो मैं पॉपअप कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ सीधे Audacity ऐप पे अपने, ठीक है. मैं ये बाद में दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे क्या ट्रिक किया था. तो ये हमने यहाँ पे अपना ओपन कर लिया Audacity, रिकॉर्ड कर. हेलो 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 1 2 3 4 हेलो 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 दोस्त कैसे हो. हेलो हेलो तो यहाँ पे आप जितने भी बड़े बड़े लाइन देख रहे हो ना, जो कि ये ग्राफ बना हुआ है, ये मैंने माइक लगाने के बाद ही इसको बोला था, मीन्स माइक पे बोला हेलो हेलो किया था, तो ये ग्राफ उठ रहा था. जब मैं नहीं बोल रहा था तो ये साइलेंट रह रहा था. तो इसके लिए मैंने एक और मीन्स एक और प्रूफ डाला था इस पर, कि ये मैंने दूसरे ऐप पर ट्राई किया था, ये था फिल्मोरा पे. तो यहाँ मैं फिल्मोरा भी ओपन कर लेता हूँ, एक सेकेंड को एक्सपोर्ट कर रहा था, एक्सपोर्ट एज MP3. ओके, इसे मैं आपको जो आपने आवाज़ सुनी थी ना, ये मैंने एक्सपोर्ट ही किया था, तो मैंने डायरेक्टली डाल दिया था, तो ये उसका रियल वॉइस ही था. यहाँ आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है. तो मैं उसमें आपको बता दूंगा ये कैसे होगा. ये अपना फिल्म हो रहा है, ओपन हो गया. यहाँ मैं माइक में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ठीक है, अरे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको वॉल्यूम से सुनाता हूँ कि कैसा आएगा क्या आएगा, ठीक है. तो यहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ये मैंने वॉइस ओवर बाद में किया था, ठीक है. तो मैं इधर रिकॉर्ड किया, पीछे किया, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, मैं सुनाता हूँ, ये सुनिए. हेलो 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 1 2 3 4 हेलो हेलो हेलो. तो ये जो था ना, ये गाइस ये
जो यहाँ पे इस पे लाइन सब दिखती है, ये सारा उसी का रहता है। तो ट्रिक ये था ना गाइस कि यहाँ पे मैंने हेडसेट चॉइस किया था, तो हेडसेट में क्या होता है ना, बैटरी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे जब आपका पॉपअप आता है, जब आप पहले इंसर्ट करते हो तो यहाँ एक पॉपअप आता है, तो पॉपअप आने के बाद आप ये करो कि उस पर माइक का ऑप्शन बने रहता है और हेडसेट रहता है, हेडफोन रहता है और एक स्पीकर आउट करता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हेडसेट पे सेलेक्ट करके रखना, तो इससे आपका बैटरी यूज ही नहीं होगा। तो यही था ट्रिक गाइस, और वीडियो ऐसे देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।